अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम 9 और 10 सीखेंगे। सिंपल है दोस्तों, 9 जो है वो बिल्कुल 6 के अपोजिट है, यानी 6 को उल्टा लिख देंगे तो हम 9 बन जाएगा। तो हम सीख लेते हैं। खैर, सबसे पहले हम 3 लाइनें खींच लेंगे। ये बॉक्स हम इस तरफ मुंह करके बनाएंगे और ये ऊपर वाला बॉक्स तो फुल बना देंगे। और यहां से इसकी गुलाई कर देंगे। से हाफ लेंगे, यहां से भी इसकी गुलाई कर देंगे। अब इसकी गुलाइयों को हम मिला देंगे तो ये हमारा 9 बन जाएगा। ये हमारा 9 बन गया। आपने इसकी गुलाइयों को सही तरीके से बराबर बराबर मिलाना, फिर इसके आपको सूरती पता चलेगी। मेरे से थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है तो आप इसका ख्याल रखिएगा। अब हम बनाएंगे 10। 10 के लिए वही सिंपल, पहले 1 बनाएंगे, 5 लाइन तक लाइन खींच देंगे, नीचे से 3 लाइनें और ऊपर से ये लाइन पूरी ले लेंगे। उसके बाद हाफ लाइन लेंगे, और ये जो कर्व है उसको लिखेंगे। ये 1 बन गया। अब इसी के साथ हम बना देंगे 0। 0 बहुत सिंपल है, 3 लाइनें लेंगे, यहाँ से भी 3 लाइनें, यहाँ से भी 3 लाइनें, यहाँ से भी 3 लाइनें, और 3 के बाद ये बॉक्स हम बीच वाला बंद कर देंगे। अब आपने सिर्फ और सिर्फ इसकी गुलाइयाँ बनानी है। और 10 बन गया। इसके लिए भी हमने वही पैटर्न इस्तेमाल किया है, ठीक है। यहाँ से हमने 5 3 4 5। दोस्तों, एक मैंने आपको बताया था, एक जो बनता है वो 2 लाइनों में बनेगा, 3 लाइनों में नहीं बनेगा, लेकिन लंबाई उसकी वही 5 बॉक्स होगी, ठीक है। 3 4 5। अब इसको हम कलर करते हैं, फिर आप इसकी खूबसूरती देखिएगा।
ये देखें 9 और 10 हमारा बन गया। इसी तरह आप 11, 12, 13, 14, 15, 16 आप जितनी गिनती है कयामत तक आने वाली गिनती जितनी भी है, तो आप उस गिनती को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। पैटर्न यही रहेगा और इस तरीके के आप शेप समझ जाएंगे तो फिर आप पूरी से आपके लिए लिखना आसान होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों का और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।